नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात 108 नंबर की एम्बुलेंस खुद ही बीमार हो गई, तो दूसरे का इलाज कैसे होगा। एरोला में एक 108 नंबर एम्बुलेंस को धक्का लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो में एम्बुलेंस में गंभीर मरीज पड़ा था और लोग एम्बुलेंस को ही धक्का दे रहे थे, बावजूद एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो सकी। सरकार ने एम्बुलेंस की व्यवस्था आम जनता की सुविधा के लिए चालू किया है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं। फिटनेस की ओर तो जैसे विभाग ध्यान ही नहीं देता है। वायरल वीडियो CSC अहरला के ठीक सामने का शनिवार की शाम को बताया जा रहा है। एक 108 नंबर की एम्बुलेंस को मरीजों के तीमारदार धक्का दे रहे हैं, जिसका वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अक्सर ही यह 108 नंबर के एम्बुलेंस ऐसे ही बीच रास्ते में खड़ी हो जाती है। जब इसमें मरीज रहते हैं तो मरीजों के साथ ही तीमारदारों के समक्ष बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। वायरल वीडियो में काफी देर तक लोग इस एम्बुलेंस को धक्का दे रहे थे, लेकिन यह स्टार्ट नहीं हुई। वहीं अरोला CSC के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर योगेश गौतम का कहना है कि वायरल वीडियो में जो एम्बुलेंस है वो उनके अस्पताल की नहीं बल्कि फूलपुर की है। हमारे यहाँ की सभी एम्बुलेंस सही है और सुचारू रूप से चल रही है, किसी तकनीकी खराबी के कारण वह स्टार्ट नहीं हुई होगी। वैसे भी इन एम्बुलेंसों की देखरेख की जिम्मेदारी लखनऊ के GVK कंपनी की है, फिटनेस संचालन की जिम्मेदारी उन्हीं की है। वहीं लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस में गंभीर मरीज बिठाकर जिस तरह से उसे धक्का लगाया जा रहा है, यह वाकई काफी हैरान कर देने वाला है। इसकी जिम्मेदारी CSC अधीक्षक की है, ये एम्बुलेंस समय समय पर दुरुस्त कराते रहे। जो धक्का मारते हुए एम्बुलेंस है वो हमारे हॉस्पिटल की नहीं है, वो फूलपुर की है। और हमारे पास जो एम्बुलेंस दो अलाट हुई है हमारी सुचारू रूप से चल रही है। अभी विगत महीने आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा हमको नई एम्बुलेंस अलाट की गई है, तो वो हमारी एम्बुलेंस नहीं है, वो किसी इमरजेंसी केयर के लिए यहाँ लेके आई रही होगी। तो बताया जा रहा है कि अरोला CSE अस्पताल की है। नहीं, मेरे अस्पताल की नहीं है, वो फूलपुर की है। मैंने बाद में आज सुबह पता किया तो UP 32BG 94 78 फूलपुर की एम्बुलेंस है जो यहाँ पे आई थी इमरजेंसी को लेके, उसके बारे में यही मुझे जानकारी मिली। और हमारे जो एम्बुलेंस मिली है दोनों तो सुचारू रूप से चल रही है, जो किसी भी तरह की हमारे एम्बुलेंसों में खराबी नहीं है। और हमारे जो चालक हैं वो 108 102 के हर घंटे तैनात रहते हैं और हमारी एम्बुलेंस सही चल रही है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।